कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा एक ऐसा बॉक्स तैयार किया गया है जो आपके जरूरी सामानों को सैनिटाइज करेगा। इतना ही नहीं, यह डिवाइस जो मेडिकल में उपकरण यूज होते हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगी। कोविड के वक्त में हमें चीज़ों को सैनिटाइज करने की ज़रूरत पड़ रही थी और उस वक्त ऐसा हुआ था कि हम सैनिटाइजर यूज़ कर रहे थे या जो भी आए थे डिवाइसेस आए थे और जो भी ऑयल या सैनिटाइजिंग के लिए हमें जो केमिकल यूज़ हो रहे थे वो सारे हार्मफुल थे और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही थी। तो इसकी वजह से हमने एक ऐसा अल्टरनेट हमें ढूंढने को ज़रूरत पड़ी कि जिसमें से हम कम वक्त में और उसकी लागत भी कम आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उसमें स्टरलाइज कर सकें। तब उसके लिए उसी पीरियड में एक रिसर्च स्टार्ट की गई और हमने एक फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया था अपने यूवी स्टरलाइजेशन डिवाइस का और फिर उसके बाद हमने उसको और इन्हेंस करते गए। उसमें हमने फर्स्ट टाइम एक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें हमने ग्रो कराया स्लाइड को और उसमें यूवी रेडिएशन का फिर हमने उसमें इम्पैक्ट देखा। तो हमने देखा यूवी रेडिएशन का बहुत ही इम्पैक्टफुल उसमें आया और उन्होंने बहुत मतलब कम वक्त में ही यूवी रेडिएशन से काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने किल कर रखा था। तो उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे थे, सिग्निफिकेंट थे और जो नॉर्मल जो सैनिटाइजर यूज़ करते थे या फिर जितना भी हमने ब्लीचिंग और यूज़ किया उनसे सबसे उसके रिजल्ट ज़्यादा इफेक्टिव थे। तो उस वजह से उनका हमने सर इससे कौन कौन सी चीज़ें सैनिटाइज कर सकेंगे? जितनी भी हाउस होल्ड हैं जो चीज़ें हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, रिस्ट वॉचेज हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, अपने क्लोथ्स हैं और जो रेगुलरली यूज़ वाले जितने भी यूटेंसिल्स हैं हम इसमें सारे अपने स्टरलाइज कर सकते हैं। सर बाज़ार में बात की जाए तो इस तरीके के कैसे बॉक्स उपलब्ध हैं और उनकी रेट क्या है, उनका कितनी देर में वह चीज़ों को जो बाज़ार में इस वक्त सैनिटेशन डिवाइस जो अवेलेबल हैं उनके रेट मैक्सिमम 1200 से लेके और फिर काफ़ी कॉस्टली हैं और उसमें उन्होंने बॉक्स की उनकी कैपेसिटी भी काफ़ी कम है। हमने फिर इसका जो फाइनल जो प्रोटोटाइप हमने डिज़ाइन किया उसमें हमने इन दो चीज़ों को ध्यान रखा। हमने बॉक्स का साइज़ भी बढ़ाया लेकिन साइज़ बढ़ाने से हमने उसकी इफेक्टिविटी में उसको कोई फ़र्क नहीं आया। एफिशिएंट वो इतना ही है, 40 से 50 सेकंड्स में नॉर्मली जितने भी हम उसमें यूटेंसिल्स रखेंगे, जैसे हॉस्पिटल्स के लिए जो प्रोसीजर नॉर्मली हॉस्पिटल में ऑटोक्लेविंग यूज़ होती थी जो जिसमें वक्त भी ज़्यादा लगता था और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती थी, उन सब के लिए ये एक बेस्ट अल्टरनेट है। अस्पताल के जो चीज़ें होती हैं जिनको सैनिटाइज करने के लिए कार्ड उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है? हाँ जी, हॉस्पिटल के लिए तो ये मेन रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके जितने भी मेडिकल जो यूटेंसिल्स हैं उन सबके लिए यूज हो सकता है। सर इसको पेटेंट मिला है, कहाँ पेटेंट मिला है, किस चीज़ के लिए पेटेंट मिला? इनको इसको हमने जो प्रोटोटाइप डिवाइस जो इसका डिज़ाइन सबमिट किया था इंडियन गवर्नमेंट में, वहाँ से इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट का जो पेटेंट ऑफिस है वहाँ से इसको पेटेंट मिला है, उसका सर्टिफिकेशन हो गया है और उन्होंने इसको डिज़ाइन को अप्रूवल जो दिया है, अवार्ड किया है पेटेंट को, वो 7 जनवरी 2023 को अवार्ड कर दिया। ये बाजारों में आने की बात की जाए तो कब तक इसको बाजार में आने की उम्मीद है? अभी हम इसको एक स्टार्टअप के फॉर्म में, इसके जो फाइनल जो इसका प्रोटोटाइप जो हमने इसको सबमिट किया था जिसको अप्रूवल मिला है उसको हम एक स्टार्टअप प्रोग्राम के थ्रू हम उसको डिज़ाइन करके फिर उसको मार्केट में लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह हमारे साथ डॉक्टर स्वास्थ्य कटियार मौजूद थे जो बता रहे थे किस प्रकार से यह बॉक्स काम करता है। यह बॉक्स की कीमत भी बेहद कम है, मात्र 500 रुपये में यह बाजार में उपलब्ध होगा। इसके साथ ही यह मात्र 40 सेकंड में आपके जरूरी उपकरण और जो मेडिकल उपकरण ऑपरेशन के वक्त इस्तेमाल होते हैं, मेडिकल क्षेत्र में इस्तेमाल होते हैं, उनको भी मात्र 40 सेकंड में पूरी तरीके से सैनिटाइज कर देगा। मैं अखंड प्रताप सिंह, न्यूज 18 कानपुर।